The release of the upcoming sports film 83 starring Ranveer Singh and Deepika Padukone is just around the corner, and the makers of the film are leaving no stones unturned to promote the film. On Sunday, the makers of 83 hosted the special screening of the film in Mumbai. The screening was graced by several B-Town celebs. However, Ranveer and Deepika gave the special screening a miss. Filmmaker Kabir Khan, who was present at the screening, opened up about the response he received on 83 trailer. Obviously, देखिए trailer first communication होता है, तो obviously अगर trailer लोगों को पसंद आया तो एक interest आता है, वो picture देखना चाहते हैं, तो हाँ हमारे trailer को बहुत ही ज़बरदस्त एक response मिला है. ऐसा response मेरे को तो कभी याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा response आया था. तो इसका मतलब है कि लोगों को picture का जो एक idea है, जो एक you know space है, वो अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है, तो होपफुली लोग आएंगे उसको. नहीं देखिए, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, एक हिस्ट्री जो अभी भी जो भी 40 साल की उम्र के ऊपर हैं उनके जहन में बहुत क्लियरली उनको याद है. जो 40 50 60 साल के लोग हैं उनके आप पूछिए कि उस दिन आप कहाँ थे, उन सबको याद है कहाँ थे, कब यू नो कपिल देव ने जब कप उठाया था वो क्या कर रहे थे, और मैचेस भी बहुत अच्छी तरह याद है. तो ऐसे एक जो एक रीसेंट हिस्ट्री होती है और इतना आइकॉनिक मोमेंट जो होता है उसको रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली डिटेल्स मालूम है, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, क्या बॉलिंग एक्शंस होते थे, बैटिंग स्टांस क्या होता था, तो वो सब रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली बहुत ही एक अटेंशन टू डिटेल करना पड़ता है. लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान पूरी हिंदुस्तान में एक जो एक खुशी आई थी 25 जून 1983 को, वही खुशी क्या हम थिएटर में रिक्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा एक एफर्ट है. नहीं देखिए, अभी तो बिल्कुल ही रणवीर, लोग कहते हैं कि उनको तो रणवीर सिंह दिख ही नहीं रहे, सिर्फ कपिल देव दिख रहे हैं. सबसे बड़ा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट आया था वो कीर्ति आज़ाद जो 1983 टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे कुछ हिस्सों में सिर्फ मेरा कप्तान दिखाई दे रहा था, मुझे रणवीर दिखाई ही नहीं दे रहा था. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक ऐसा उन्होंने इस किस्म से उसको रिसीव किया. लेकिन जब हम पिक्चर शुरू कर रहे थे, मैंने रणवीर को बोला था कि ये लुकर लाइक कॉन्टेस्ट नहीं है, इतना नहीं हमें सोचना चाहिए कि आप कपिल की तरह लग रहे हैं, बिकॉज आप सबको मालूम है कि आप एक एक्टर हो तो कपिल देव को पोर्ट्रे कर रहे हो. आई थिंक रणवीर ने जो किया है जिसकी वजह से वो उनकी तरह लग रहे हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेशन जो उन्होंने पकड़ा है, जो बोलने का स्टाइल पकड़ा है, सिर्फ लुक से ज़्यादा वो एक इम्पैक्ट आता है. जिस तरीके से वो बोल रहे हैं बिल्कुल कपिल देव की तरह, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग एक्शन कपिल देव का, सब जो क्रिकेट जानते हैं कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल एक एक्शन है, लेकिन वो रणवीर ने किया है. 5 महीने उन्होंने मेहनत करी है. हम नहीं जुहू में ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पास में कैंप है, रोज़ 5 महीने के लिए 4 घंटे क्रिकेट खेलते थे. वो आसान बात नहीं है. और ऑफकोर्स हमारा भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि कपिल देव खुद उनको आके ट्रेन करते थे कि इस तरीके से अब तुम बोल करो, और उन्होंने पास किया कि हाँ अब तुम मेरी तरह बोलिंग कर सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात. सेलेब्स हु मार्क्ड देयर प्रेजेंस एट द स्क्रीनिंग वर ताहिर राज भसीन, फिल्म मेकर साजिद नारियावाला, रिया चक्रवर्ती, साइमन जरेकर, सुनील शेट्टी, चंकी पांडे, डायना पैंटी, अमंग अदर्स. इन द फिल्म 83, Ranveer stars as former star cricketer Kapil Dev, which tells the story of how the Indian cricket team, a team that no one believed in, brought the World Cup home in 1983 after beating the champions West Indies in a match. Actress Deepika Padukone is essaying the role of Kapil's wife Romi Dev in the film 83, which also stars Tahir Raj Bhaseen, Jeeva, Saqib Saleem, Hardy Sandhu, Emmy Virk, Pankaj Tripathi, Baman Irani, Nishan Dahiya and Sahil Khattar is all set to release on December 24.